Hello friends, welcome to this video on solving UPSC prelims questions category wise. और आज हम जो 2024 का prelims था उसमें जो column वाले सवाल introduce हुए, तीन column वाले, उनको देखेंगे. और उस 2024 के prelims में फिर कुछ box में सवाल थे जिनमें दो column थे, तो उस तरह के सवाल जो हैं तीन कॉलम वाले उनका वेटेज अभी तो कम था. हो सकता है सब्सिक्वेंट प्रीलिम्स में उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंक्रीज हो, मतलब वो क्वेश्चन आपको बढ़े हुए मिलें. तो इस बार के प्रीलिम्स में जो नए तरह के जो सवाल थे जो इंक्लूड हुए वो थे ये कॉलम वाले सवाल, जिसमें कॉलम में थ्री आइटम्स थे, जैसे कि ये वाटरफॉल, रीजन और रिवर. तो उसमें जो धुआंधार वाटरफॉल है वो मालवा रीजन में नहीं होगा, लेकिन जो हुंदरू वाटरफॉल है वो छोटा नागपुर रीजन भी ठीक है, और सुवर्णरेखा नदी भी ठीक है. तो ओनली वन, क्योंकि जो ये जरसोपा ये वेस्टर्न घाट्स में तो है लेकिन इसकी नदी जो है वो शायद सरवती है, नेत्रावती नहीं है. तो एक ये सवाल था. फिर था ये रीजन, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज और टाइप ऑफ माउंटेन. तो उसमें वॉस्चेस जो है वो ब्लॉक माउंटेन है और वो सेंट्रल एशिया में नहीं है, तो वन इज़ रॉन्ग. जो यूरोप में आल्प्स है वो एक फोल्ड माउंटेन है. फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो अपलेसियंस और एंडीज हैं ये दोनों ठीक हैं, तो इसका जवाब होता है ओनली टू. और फिर इसी तरीके के जो कॉलम वाले बॉक्स में जो सवाल थे उसमें था ये आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और डिस्क्रिप्शन. तो इसमें जो ये जो सही है वो है इनाम गांव, जो है वो महाराष्ट्र में एक चैल्कोलिथिक साइट है, और मनगाडू केरला में एक मेगालिथिक साइट है. लेकिन चंद्र केतुगढ़ जो है वो एक एंशियंट ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है वेस्ट बंगाल के अंदर. और साली हुंदम जो है वो आंध्र प्रदेश में तो है लेकिन वो रॉक कट केव श्राइन नहीं है, वो बुद्धिस्ट केव श्राइन है. तो इसका जवाब होगा टू एंड थ्री बी. फिर इसी तरह का एक और सवाल अगर हम देखें बॉक्स में तो वो था ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी. तो इसमें ब्रिगेडियर और एयर कॉमोडोर जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, लेकिन नेवी में भी कॉमोडोर ही होगा. और मेजर जनरल एयर वाइस मार्शल जो हैं वो तो ठीक है आर्मी और एयरफोर्स वाला, लेकिन अगेन नेवी में रेयर वाइस एडमिरल होगा. फिर थर्ड जो है वो ठीक है, मेजर और स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, क्योंकि तो इसका जवाब होगा डी, थ्री ओनली. फिर ये फोर्थ में लेफ्टिनेंट कर्नल और ग्रुप कैप्टन तो ठीक है, लेकिन नेवी में कैप्टन नहीं होगा, वहाँ कमांडर होगा, जो कि ऑप्शन वन में दिया है. तो इसका जवाब होता है डी, थ्री ओनली. तो ये नए तरह के जो सवाल इंट्रोड्यूस हुए इसमें अगर आपको पता है आप इन्हें तभी अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें हो सकता है इस तरह के सवाल 2025 का जो प्रीलिम्स है आने वाला नेक्स्ट प्रीलिम्स उसमें इस तरह के सवालों की संख्या ज़्यादा हो. तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये बॉक्स वाले सवाल जिसमें दो कॉलम्स थे. तो फिर तो उसमें एक सवाल था ये कंट्री और एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो उसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मेडागास्कर में के सामने कुछ स्पीसीज थी, और इसमें कोई भी करेक्टली मैच्ड नहीं है. तो इसका जवाब होगा डी, नन, क्योंकि जो ये इंद्री मैंसन जो है ये मेडागास्कर में पाई जाती है, और जो एल्क है वो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, और जो बनोबो है ये एक चिंपैंजी
की कैटेगरी है, तो ये पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो इसका जवाब होगा डी, नन। फिर इसी तरह के सवाल और देखें जिसमें दो कॉलम्स थे, तो उसमें एक ये था इकोनॉमिक एक्टिविटी और फिर उसका जो सेक्टर है, तो इसका सही जवाब है सी, ओनली थ्री। मीनिंग इसमें डेयरी फार्म प्राइमरी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्सरी है, वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी है, लेकिन स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो भी टर्सरी कैटेगरी में है। फिर इसी तरह का एक और सवाल था कि हमें कुछ आइटम्स और कैटेगरी दी हुई है और हमें पहचानना था कि वो ठीक है कि नहीं। तो फार्मर्स क्लो जो है वो एक फिक्स्ड कैपिटल है, कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है, लेकिन यार्न यूज्ड बाय द वीवर यह एक वर्किंग कैपिटल है, और पेट्रोल जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इसका सही जवाब है ए, ओनली वन। फिर इसी तरह का अगर हम एक और सवाल देखें, तो वो था हमें कुछ पार्टी दी हुई है और उसके लीडर्स थे, तो भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया, ये उनसे उसके लीडर वो थे, ना कि सी राजगोपालाचारी। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, यह ठीक है। और स्वतंत्र पार्टी जो है वो सी राजगोपालाचारी उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका जवाब होगा बी, ओनली टू। फिर लास्ट अगर हम इसी तरह का सवाल देखें बॉक्स वाला, तो उसमें था कंट्री और रीज़न फॉर बीइंग इन द न्यूज़, तो अर्जेंटीना और सूडान, ये ठीक है, मतलब कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस और वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये ठीक है। लेकिन टर्की जो है वो अभी भी नेटो की मेंबरशिप उसके पास है, तो इसका जवाब होगा बी, ओनली टू पेयर्स।